मेरा नाम डॉक्टर अहमद अवैस है एंड आई लिव इन इंग्लैंड द पास्ट 5 ईयर्स। एक चीज़ पे बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान का जो ससुराली कल्चर है, ससुराली माशरा है पाकिस्तान का, जो क्योंकि बाय द वे इट्स अप हिल जहाँ पे मैं चढ़ा हूँ और इसलिए थोड़ी सांस खुली हुई है, तेज़ है। आई एम गोइंग फॉर माई टेनिस मैच, आई हैव अ टेनिस मैच टुडे इन द मॉर्निंग। ओके, सो हमारा जो ससुराली माशरा है उसको क्या हो गया, मतलब मैंने रिसेंटली इन द पास्ट 1 or 2 months कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखी हैं, सुनने में आई हैं आसपास सोशल सर्कल में, दोस्तों में, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिलीज में, कि शादी के बाद मैं लुक, इट्स नथिंग टू डू विद मी टू कैंपेन एंड औरत मार्च, नो, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि हम लोग द वे वी ट्रीट बहुओं को जिस तरह हम ट्रीट करते हैं, दैट्स टेरिबल, यू नो, इट्स पथेटिक। आई एम सॉरी, ये मेरा मुल्क है, मेरा मुआशरा है, बट स्टिल ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स सामने आ रही हैं कि शादी के बाद मर्दों के अफेयर होते हैं या वो पहले से शादीशुदा होते हैं। क्या हो के क्या तुम लोगों को यार, क्या मतलब, क्यों तुम लोग उस औरत को किस चीज़ की सजा देते हो, वाई ऐसा क्यों करते हो आप लोग? प्लस जो लड़के हैं मर्द हजरात, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ को केटर करें, बट नहीं यार, मतलब तुम लोग इस्लाम के इतना मुनाफी चलते हो, देन यू एक्सपेक्ट कि अल्लाह ताला की बरकत होगी आप पे, कैसे होगी? ठीक है, लड़कियों की जिंदगियां पर बात करना प्लीज़ बंद कर दें, प्लीज़। पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, हमारे माशरे के ऑलरेडी इतने मसाइल हैं कि ये उसमें एडअप करता है और इसके इम्पैक्ट जो हैं, इसकी तबाहकारियाँ, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, इट्स फार रीचिंग। तो प्लीज़ अपने आप को ठीक करें, ससुराली माशरा ठीक करें, कल्चर ठीक करें, औरतों को रिस्पेक्ट दें, अपनी बहुओं को रिस्पेक्ट दें। अगर कभी आपका बेटा कुछ गलत करता है, अफेयर है, कुछ भी है, प्लीज़ यार उसको टोकें, उसको सख्ती से डांटें, मना करें उसको, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन उसको इस चीज़ को कंट्रोल करें प्लीज़। इट्स नॉट एडिंग एनी गुड टू आवर सोसाइटी, राइट? सो बहुत ही दुखी और तकलीफ दे स्टोरियाँ, रियलिटीज सुनने को मिल रही हैं यार पाकिस्तान से, और ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती इस चीज़ से, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है कि किस तरह हम औरतों को पीस रहे हैं लाइक ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जबकि वी आर नॉट, ना हमें इस्लाम कहता है, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। सो प्लीज़ ये प्रैक्टिसेस, ये इस तरह की फजूलियात यार प्लीज़ बस कर दो यार। आखिरी वाक्य जो मैंने सुना, जो मैं कोट करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, वो ये कि एक यतीम लड़की है, पढ़ी लिखी है, उसकी शादी होती है एंड गेस व्हाट, उसका हस्बैंड अफेयर चला रहा है किसी से और वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रहा, ठीक है। एक और मेरे सर्कल में खातून है, शी इज़ अ टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, बच्चे हैं 3, लेकिन मर्द साहब अफेयर चला रहे हैं बाहर। औरतों का कसूर है ही नहीं, मैं उधर नहीं आऊँगा, वो छोड़ दें, वो डिबेट ही सेपरेट है, बट प्लीज़ यार हमें मर्दों को अपने करतूत ठीक करने की ज़रूरत है, प्लीज़ यार। ये आप अल्लाह की बरकत को दावा दे रहे हो या अल्लाह के अजाब को दावा दे रहे हो आप, ठीक है? सो मेहरबानी करें, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, औरतों को बहुओं को अच्छे से ट्रीट करना सीखें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट।